आई एम वेरी एक्साइटेड वेटिंग फॉर थर्ड. मैंने फिल्म देखी नहीं है तो उससे मुझे मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा है कि कब वी स्टार्ट द स्क्रीनिंग एंड आई गेट टू वॉच द फिल्म. ओके, और अगर गानों की बात की जाए तो कौन सा फेवरेट है? ऑफकोर्स दिस वन दैट इज लॉन्चिंग एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पेपी सॉन्ग. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक आपने थोड़ा बहुत ट्रेलर में तो सुना ही होगा. टुडे यूल गेट टू हियर द इंटायर सॉन्ग. आई थिंक पीपल आर रियली एंड इट्स वेरी टुडेज जनरेशन द काइंड ऑफ सॉन्ग आजकल लोगों को पसंद आ रहा है उस टाइप की सॉन्ग है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट काउंट बट वी डोंट हैव एनी सॉन्ग इन द फिल्म जहाँ पे यू नो पीपल आर सिंगिंग और लिप सिंग नहीं है बिकॉज द फिल्म इज़ वेरी डिफरेंट. वी पर्पसली डिडंट पुट अ सॉन्ग बिकॉज इट वुड हैव ब्रोकन द रिदम ऑफ द फिल्म. तो वी हैव लॉट ऑफ बैकग्राउंड स्कोर्स. अच्छा, फिल्म का नाम सेटर है. फिल्म में सेट सेट कौन करता है? मतलब जैसे हमने देखा पोस्टर में बहुत सारे चेहरे हैं. जी जी, लेकिन उसमें से सेटर कौन है अगर कुछ शेयर करना चाहे फिल्म का? सो जो मैं पवन जी की डॉटर का रोल प्ले कर रही हूँ, ही इज़ द मेन सेटर. ही इज़ द वन जो सारा पेपर लीकिंग और जो भी प्रॉक्सी जो भी सेटिंगबाजी होती है उनके थ्रू होती है. ही इज़ द मेन पर्सन. बट मेरा कैरेक्टर बहुत ही क्यूट है बिकॉज वो अपनी छोटी सेटिंग करते रहती है. तो फादर की सेटिंग तो चल रही है, उसका अपने लोगों के साथ सेटिंग चल रहा है. एंड अ फादर इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ये जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है नहीं. उनके सामने चाय का ट्रे लेकर आएगी बट इशारों में कमरे में जितने सारे लोग हैं सबके साथ उसकी सेटिंग चल रही है. सो दिस इज़ हर कैरेक्टर. सो इट्स अ वेरी क्यूट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. ही सेड प्रेरणा जो मेरा कैरेक्टर का नाम है, ही सेड दैट शी इज़ फन लविंग. लाइक आई सेड सुमड़ी, लाइक यू नो शी इज़ दबंग. ट्रेलर में देखा होगा वो गन उठा के धमकाती है लोगों को, तो वैसी है. लेकिन एक्चुअल में गन चलाएगी नहीं. शी इज़ नॉट समबड़ी हु विल एक्चुअली यूज़ इट. बट अपना फ़ायदा निकालने के लिए वो छोटी बहुत जैसे मैंने कहा सेटिंग कर देती है. I'm back here. I think I have some connection because this is in the last 10 days. I think this is the second time I'm coming back here. First for blank and now for setter. And today the weather is nicer. So I think we're going to enjoy the other portion of Sin City. Thank you for having us here. Last question. In my family, in my mom and dad, none of us, we don't like cricket. And my in-laws ki family mein, everybody is crazy about cricket. So, roz raat ko sab baith ke cricket dekhte hain. And I am absolutely zero when it comes to cricket. I like watching it, but with people, because unko dekhe mujhe maza aata hai. When they enjoy and they are, and jo mere brother-in-law hai, wo jo bhi team ko support karta hai, always support the opposite team. Just for fun. Kis team ko zyada support karte hai? Of course, Mumbai Indian. And just to irritate my brother-in-law, I sometimes always choose the opposite team and he gets very annoyed. So yeah, it's fun. Thank you. Ishita. Saurabh, bahas kyun kar rahe ho tum? Kaun sir se? लाइट चालू करना, देख लाइट ठीक है. हेलो सर, सर सेंटर में आप पहले फोन सर यहाँ पे सर.
आपका नाम है? हेलो क्या, थैंक यू, नमस्कार, गुड इवनिंग सर। ओके सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर, ट्रेलर को तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आज म्यूजिक लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आज की? बहुत एक्साइटेड हूँ, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात को लेकर हूँ क्योंकि हमारा जो ट्रेलर है वो सब लोगों को पसंद आ रहा है और एक एक कॉर्ड सा स्ट्राइक कर रहा है लोगों के अंदर, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और काफ़ी इंथूजियास्टिक है क्योंकि जो गाना है आज हमारा पहला गाना लॉन्च हो रहा है, सो इट्स अ लवली फंक्शन, लवली इवनिंग, एंड वी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू बी हियर एज वेल एज वी आर लुकिंग फॉर जो ट्रेलर हम लोगों ने गाने पे काटा है वो हम चाहते हैं कि आप सब देखें और उसे पसंद करें, उसे भी पसंद करें। ये जो अभी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, फिल्म में बहुत सारे गाने नहीं है लेकिन ये जो गाना है ये बहुत इफेक्टिव, बहुत ही इम्पैक्टफुल, मतलब यूथ भी आइडेंटिफाई करेगा और जो आम तौर पर मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी आइडेंटिफाई करेंगे इस गाने से। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इफेक्टिव सॉन्ग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू गाइस लिसनिंग टू इट। प्रभा, हाय सर, यू हैव वर्क्ड विद मेजर डायरेक्टर्स, बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम किया है, तब तक काम यहां पर काम किया, उसके बाद यू नो एवरेज प्रोड्यूस करते रहे, बीच में क्या करना चाहेंगे कि डज यू व्हेन यू चूज अ फिल्म कितना ज्यादा मतलब देखते हैं कि कैरेक्टर कौन है? आई थिंक सबसे ज़्यादा पहले तो एक्टर स्क्रिप्ट को ढूंढता है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो, अगर इम्पैक्टफुल हो या यू नो इट क्रिएटिवली एक्साइट्स एन एक्टर, तो वो पहले सबसे पहले तो एक्टर वो चुनता है। ऑब्वियसली उसके बाद क्लोजली फॉलोड बाय कौन डायरेक्ट करने वाला है, बिकॉज जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, तो उनका जो विजन होता है वो एक एक्टर को रिस्पेक्ट करना चाहिए और मतलब आई लुक फॉर दैट इन अ डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर मुझे इंस्पायर करता है या मुझे यू नो ही गिव्स मी समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर, दैट फॉर मी जो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ होता है एज एन एक्टर फॉर अ डायरेक्टर। क्यों नहीं ऑफर हो सकते? आई थिंक हर एक्टर के जीवन में कहीं ना कहीं फेज में अलग अलग रोल्स भी ऑफर किए जाते हैं, सो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू गेट एन ऑफर लाइक सेटर्स एंड अ रोल लाइक सेटर्स, एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर एज वेल। I wear all which things? These things. I believe in the divine. I believe in the creator. I believe in life. I believe in you guys. And I believe in myself. Okay, आपका एक हट के जो सवाल पूछने वाली हूँ वो ये है कि IPL season start हो चुका है, तो IPL fever आपका कितना चल रहा है? मैं बहुत मैं जितना हो सके मैं देखता हूँ और अभी फोन पर भी फॉलो करता हूँ। Obviously stadium mein nahi ja sakta, but whenever I can I would definitely like to, and I follow it, I follow on Twitter or I follow on the news. Okay, aapki favorite team kaun si hai? Is saal thodi si mix hai, iske pehle Mumbai thi, Mumbai abhi bhi hai, lekin iske alawa main Chennai ko bhi favor karta hu aur KKR ko bhi. Okay, aur player favorite player? MS Dhoni, I think. Kohli, I love Kohli, MS Dhoni. I love Andre Russell at the moment. I think wo jo khel rahe, I don't think anybody is playing like him in this IPL. Okay, agar aapko kisi ke biopic mein kaam karne ka mauka mile to wo aap decide kijiye. Wo aap decide kijiye. I don't know, I think whatever jo bhi biopic mujhe inspire karta hai aur mujhe as an actor it you know it inspires me and also makes me very excited, and obviously somebody jo itihas jinhone itihas likha ho aur itihas mein bahut hi ek dilchasp किस्सा हो, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू अ बायोपिक, बट आई डोंट नो हू ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक आई हैव बीन हियर फॉर द लॉन्च एंड आई थिंक इट्स अ फैबुलस प्लेस। आई थैंक साजिद भाई फॉर इनवाइटिंग अस हियर एंड यू नो गिविंग अस अ फैबुलस गेट टुगेदर। आई थिंक इट्स अ लवली प्लेस, आई थिंक पीपल शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट दिस प्लेस एंड एंजॉय द नॉट सो सिन इन दिस सिटी। थैंक यू। Yes, sir, ikde.
Yeah, right. Right, sir, you are. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Bye. 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 Ajay, idhar. Yes, sir. You're right, sir. Yes, sir. Kahan se aaye ho? Yes, sir. Thank you. Thank you, guys. Bye, sir. Bye, bye. Sir, sir. Bye, bye. जी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो हमारे तीन जो शेर हैं सुखी पाजी रफ्तार सलीम सुलेमान तीनों लाइव परफॉर्म भी कर रहे हैं. गाना बहुत बढ़िया कंपोज किया सलीम सुलेमान ने, बहुत अच्छा लिखा है हमारे सागर साहब ने, और रफ्तार और सुखी पाजी ने तो मतलब चार चांद लगा दिया. आई एम सो वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग, सो यू नो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग. आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक द सॉन्ग एंड द काइंड ऑफ लव दैट यू हैव गिवन टू द ट्रेलर. आई होप यू गिव टू द फिल्म एज वेल एंड इट वर्क्स. अगर बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो किस तरीके का गाना होने वाला है फिल्म की स्टोरी को अगर देखा जाए तो उसकी? फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाता हुआ ही गाना है, मतलब ऐसा नहीं कि अलग बनता ही एक कुछ गाना है. सो ऑफकोर्स द सॉन्ग विल टेक द स्टोरी फॉरवर्ड, और एक जिस्ट फिल्म का जिस्ट बताने वाला वैसा किस्म का गाना है. सो आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या गाना है. और मैं यू नो रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके लिरिक्स पे भी, रफ्तार के रैप पे भी ध्यान दीजिए, बिकॉज बहुत अच्छा लिखा है उस बंदे ने. ओके, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा गाना? करतूत है, विदाउट अ डाउट. या थैंक यू. It's a fantastic place. In fact, I've been here for the first time, and from whatever I can see here, I think it's an awesome place. So thanks to Sajid Bhai for making this venue available for us, and looking forward to a great evening. Okay, Shreyas, एक सवाल जो मैं अलग पूछने जा रही हूँ वो ये है कि IPL सीजन चालू है, तो IPL का फीवर कितना आपको चल रहा है? IPL का तो रहता ही है मेरे ख्याल से, थोड़ा थोड़ा टूवर्ड्स दी एंड ज़्यादा बढ़ने लगता है, बट थोड़ा थोड़ा जब टाइम मिलता है तो फॉलो करता हूँ. मैं इनफैक्ट गोवा में शूट कर रहा हूँ, वहाँ से मैं बस इसी के लिए अभी जस्ट लैंड हुआ हूँ और वापस जाऊँगा शूटिंग के लिए, तो जब वक्त मिलता है तो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ. एक्चुअली मुंबई का हूँ तो मुंबई इंडियंस बोलना चाहिए, बट आई थिंक आई एम अ धोनी सपोर्टर, सो CSK. यार कंटेंट अगर अच्छा हो तो कभी भी रिलीज करो, फिल्म चलेगी. कंटेंट अगर बुरा हो तो जितनी चाहे सारी चीज़ें लगा दो, अंगूठिया अंगूठिया पहन लो, कुछ नहीं होगा. आई डोंट नथिंग. जय भोलेनाथ. ओके थैंक यू. थैंक यू. कैसे खड़े हो इतनी गर्मी में? सो हॉट. वेरी हॉट. ठीक है, इसके जाओ. मैं डबली एक्साइटेड हूँ. आज तो करतूते का डे है, एंड करतूते इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स इन द फिल्म, एंड देर आर ओनली टू सॉन्ग्स, एंड द अदर वन इज़ द सॉन्ग दैट आई हैव जस्ट शॉट फॉर यस्टरडे. बट करतूते इज़ एन अमेजिंग सॉन्ग, और हमने जिस दिन पहले दिन सुना था, आई थिंक इट्स गॉट सो मच स्पंक, एंड द म्यूज़िक इज़ फैब, एंड रफ्तार एंड सुखविंदर, सो इट्स रियली नाइस. थैंक यू.
और एक ही गाना है जो मैंने कल शूट कर लिया है एंड इट्स एन अमेजिंग डांसिंग नंबर आइटम नंबर एज वी कॉल इट आई विल जस्ट से एक गाना है जिसमें बहुत सारी डांसिंग है थोड़ी रैपिंग भी है और वो आई मीन जी इज डन द वीडियो और कल मैंने वो शूट किया है और आप लोग बहुत जल्दी देखोगे एंड इट्स एक्साइटिंग इट्स समथिंग दैट आई हैव नेवर डन सो या आपका फेवरेट कौन सा है सॉन्ग दोनों में I know I should be saying Kartute because I'm here, but I would say mera gana jo aane wala hai, it's called Boom Jawani. Mera gana wo favorite hai. Okay, iske alawa film ke baare mein thoda bahut janna chahiye aapse, bataiye film ke baare mein. Film, I know aap log ne trailers dekha hai and the trailer is self-explanatory. Kaafi kuch samajh mein aaya hai, but then the main thriller and suspense part nahi pata hai. Main cop hu. And it's about the exam paper mafia and the scam aur ek bahut interesting topic hai and which is time it's about time ki ye logo ke samne aaye aur not superficially but literally andar jaake aur kya kya hota hai so it's a very nice thriller and I think you guys will like it sunali jana chahenge aap sin city mein yahan ke ambiance ke baare mein jana chahenge kaisa lag raha hai aapko kya kehna chahenge bahut acha hai abhi main bas aayi hu andar jaake dekhungi to shayad aur acha hoga it's really nice cool thank you guys thank you so much okay. Yeah. Sunali just a second ek jo hatke sawal aapse puchna chahta hu ye hai ki IPL kitna follow kar rahi hai are ye to mere se mat hi puchho I don't follow cricket at all बिल्कुल नहीं नो नॉट एट ऑल एक्चुअली नो नीदर डू आई प्ले नॉट डू आई वॉच सच अ बोरिंग आंसर आई डोंट थैंक्स बहुत सॉलिड माहौल है और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं अभी अंदर जाके देखेगा कि कैसा है लेकिन एम्बियंस बहुत अच्छा लग रहा है और टेरेस का लुक और व्यू और अच्छा फीलिंग हो रहा है 100% मैं अंदर जाके देख रहा हूँ लेकिन जगह बड़ी लग रही है और हर पार्टी यहाँ फिल्म की अच्छी होनी चाहिए सर विजुअल प्लीज रोलिंग ओके सर सो आपसे जानना चाहेंगे ट्रेलर लॉन्च पे हम आपको मिल नहीं पाए हैं तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे बताइए अपने किरदार के बारे में किस तरीके का किरदार आपको इस फिल्म में करना है सेटर्स फिल्म जो लोग सेटिंग करते हैं वहाँ से सेटर्स आया मैं जानता था कि नकल होती है पूरे देश में कुछ स्टेट्स में तो हमने फुटेज भी देखी कि लोग खिड़कियों में चढ़ के तीन तीन फ्लोर चार चार फ्लोर चढ़ के चीटिंग करवा रहे हैं इसी लेवल का मालूम था जब तक ये स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं आई और इतना ऑर्गेनाइज लेवल पे होता है और इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में होता है ये सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस तक लिमिटेड नहीं है ये जो चीटिंग है बहुत ही ऑर्गेनाइज लेवल की है जो मेजर एग्ज़ाम्स बैंकिंग और मेडिकल रेलवे एजुकेशन के जो टीचिंग के इसमें पेपर आपको एक शाम पहले मिलता है बिकता है कुछ लाखों में ये बात मालूम नहीं थी और बहुत ही ऑर्गेनाइज और बोलते हैं बहुत सालों से ये इस तरह से चलता है और इसमें जो मेरा किरदार है मैं यूं कह लीजिए कि एक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ मैं डॉन का रोल कर रहा हूँ जो मेन ये सब सेटर्स का जो मेन आदमी है ये आदमी है जो सेटिंग करवाता है बेसिकली गुंडा है रफ़ है चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे पॉलिटिशियंस हों बात करने में बहुत रफ़ है उन सब के साथ और अखड़ा आदमी है और उसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिसमें श्रेयस भी है जो एक लड़का है जो ज्वाइन करता है इनको और इस तरह बहुत सारे लोग हैं एक पूरी टीम होती है पूरा नेटवर्क होता है पहले से सबसे पैसे ले लिए जाते हैं और फिर उनको एक दिन पहले दिया जाता है और
बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि भाई तूने ये पेपर पे जाना है, उसने इस तरह की शर्ट पहनी हुई, हाथ में ये पकड़ा होगा, उसने ये किया होगा, इस तरह की निशानियाँ देके। और इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी लगता है कि बच्चे के अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो उसका फ्यूचर बन जाएगा। तो बाकी तो आप जब फिल्म देखेंगे तभी आप समझेंगे, थोड़ा थ्रिलर जॉनर में किया गया। एंड आई थिंक द फिल्म हैज़ कम आउट वेरी वेल। बाकी 3 मई को पता चलेगा, या आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। एक्साइटेड मतलब फिल्म के गाने लॉन्च हो रहे हैं, इस पार्ट ऑफ पब्लिसिटी, गाने हमारी फिल्मों के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, टीवी पर चलते हैं, सो यू आर एक्साइटेड बिकॉज चलो आपकी फिल्म का कुछ आगे हो रहा है। IPL जब भी टाइम मिलता है घर पर होते हैं तो देखते हैं। कोई नहीं, क्योंकि मेरे सारे प्लेयर्स बटे हुए हैं, आई जस्ट वॉच द मैच। IPL में जब देखने बैठता हूँ वो जो थ्रिल है लास्ट ओवर्स तक की। अब मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है, मेरी सारी टीम्स हैं, आई जस्ट इन्जॉय द क्रिकेट। ऑब्वियसली ऑल द प्लेयर्स जो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, धोनी एंड कोहली एंड शर्मा एंड ऑल दीज पीपल, यंग बॉयज, न्यू बॉयज, KL राहुल जैसे जो हैं, या पंत आया टीम में तो नहीं वर्ल्ड कप की सेलेक्ट हुआ, बट द वे ही शूट्स इज, आई मीन इट्स फन टू वॉच T20। ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, T20 में नोबडी कैन से कौन जीतेगा, बिकॉज अब देखिए ना, चेन्नई 2 मैच हार ही गया ना जो जीत रहे थे, और विराट कोहली की टीम अभी तक 1 ही मैच जीत पाई है। सो T20 यू कैन नेवर से किसका क्या दिन है, ऑफकोर्स बेटर टीम्स एंड वो इट मेक्स अ डिफरेंस, बट उस दिन पिच क्या है, कौन टॉस जीतता है, कौन एक्चुअली निकल जाता है, कौन किसका कैच ड्रॉप हो जाता है, सो दैट्स वेयर द थ्रिल इज। बहुत अच्छा, मैं तो पहली बार आया हूँ, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल सिन सिटी वेयर वी आर होल्डिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर रिलीज ऑफ सेटर्स म्यूजिक, एंड थैंक यू सो मच। नहीं, डेट्स तो हम नहीं चेंज कर, आजकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डेट्स नहीं होती हैं, छुट्टियों के हिसाब से होती हैं। और फिर इस तरह की फिल्म जैसे सेटर्स जैसी फिल्म है, वो ये देखेगी कि भाई इधर और इधर कोई बड़ी फिल्म ना हो, पर कभी कभी उनको लगता है यही हफ्ता खाली है, यहीं घुस जाओ, या तो एस्ट्रोलॉजी का तो पता नहीं, पर हाँ ये ज़रूर है कि ये एक बड़ी फिल्म से बचना है। वो बड़ी फिल्म अगर सपोज नहीं भी चली, वो तब भी आपकी फिल्म का मोमेंटम तोड़ देती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि आपको एक थोड़ी सी क्लीन स्लेट मिले, या ऐसा मिले कि लोग आपकी फिल्म भी नोटिस हो और देखने आए। सो आई डोंट थिंक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डेट्स डिसाइड की जाती, बिकॉज या अगर डेट डिसाइड की जाती होगी तो जैसे कहा जाता है कि हम आज अनाउंस हुई फिल्म और उसकी रिलीज डेट डिसाइड हो गई, पर जनरली सब बड़ी फिल्में छुट्टियों पर कब्जा करते हैं, बिकॉज दे ऑल वॉन्ट कि पहले 2-3 दिन में जो करना है वो कर लो, चली तो फिर चली, नहीं तो अदरवाइज तो सेफ गेम। नहीं नहीं, जस्ट अ बैंड। एस्ट्रोलॉजी में स्टोन्स होते हैं, आई डोंट नो, आई थिंक 5 शुड बी माई लकी नंबर बिकॉज दैट्स द टोटल ऑफ माई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
बाद में कर। सबसे पहले तो सेटर में आप कौन से किरदार में नजर आने वाले, थोड़ा सा ये बताइए। और आज म्यूजिक लॉन्च का मौका है, कौन सा गाना आपका फेवरेट है? यार सुखविंदर सिंह तो मेरे मतलब बचपन से ही फेवरेट है मैं, और मतलब सर ने जब ये गाना पहली बार सुनाया था सेट पे तभी से मैं वेट कर रहा हूँ सर से, मैं कब से मांग रहा हूँ कि गाना मुझे दे दो, तो जस्ट वी हैव टू वेट फॉर म्यूजिक लॉन्च। तो फाइनली अब मुझे जाके मिलेगा सॉन्ग, तो फिल्म का सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। सेकंड मेरा कैरेक्टर का नाम है दिबांकर मणि, और दिबांकर मणि बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर, तो किसी कारणवश ये अपनी जॉब छोड़ देता है, और देन आफ्ताब सिब्बिसानी जो सीनियर है वो आते हैं मुझे मनाने के लिए कि एक एक मिशन है जहाँ पर मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सो कैसे हम लोग वापस एक टीम बनाते हैं सेटर्स का, जो माफिया जो है उनको पकड़ने के लिए, बाकी इतना ही बोल सकता हूँ, बाकी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। संजू में जो गाने पे जैसे आपने परफॉर्म किया था, क्या ये फिल्म में भी ऐसे कोई गाना है जिसमें आप परफॉर्म करते हो? नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं, इसमें एक ही सॉन्ग आई थी। फिल्म के अंदर कोई सॉन्ग नहीं, बिकॉज फिल्म काफ़ी फास्ट पेस है और स्क्रिप्ट के अनुसार कोई सॉन्ग की ज़रूरत है नहीं इस फिल्म में। धोनी मुझे, मैं हमेशा से फेवरेट रहा ऑन एंड ऑफ फील्ड, जिस तरह से उनका बिहेवियर है, जिस तरह से वो लाइफ को लेते हैं, गेम को लेते हैं, तो वो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है धोनी से। टफ हाँ जी, IPL नहीं, मैं अभी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज बैक टू बैक कुछ ना कुछ शूट चल रहा है, तो मैं IPL इतना फॉलो नहीं कर रहा। मैं लकीली मैंने 15 दिन पहले ही टिकटॉक पे मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, बट आई थिंक बैन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इरेलीवेंट है और बैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज यूथ जो है कहीं ना कहीं से अपना जो डिस्ट्रैक्शन है वो लेके आ जाता है सर। तो हमारे टाइम पे जब हम लोग छोटे थे तो हमारे लिए टिकटॉक होता था कि घर के बाजू में अगर कुछ बिल्डिंग बन रही है तो रेती और ईंटें हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन था, तो हम लोग दिन भर ईंटें और रेती के साथ वहाँ कहानियाँ बनाते थे। फेसबुक आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया। अगर आप देखें रिसेंटली, पता नहीं कुछ इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में कि एक लड़का मर गया है टिकटॉक का वीडियो बनाते हुए, तो आई थिंक सेल्फी से ज़्यादा लोग मरे हैं रादर देन टिकटॉक से। टिकटॉक बैन करना या किसी भी चीज़ को बैन करने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि कितना मात्रा में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, राधा दिन किसी भी चीज़ को बैन कर देना। देश में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो मुझे लगता है वो बैन होने चाहिए। टिकटॉक तो एंटरटेनमेंट का एक माध्यम है, लोग अपनी बात अपने तरीके से रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीजन है। अभी तक मैं एंटर नहीं किया हूँ, बट मुझे जितना मुझे बाहर से फील हुआ है मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी अंदर जाके अभी मैं देखता हूँ। मैंने काफ़ी सुना है रिसेंटली, अभी मैं फ्रेंड के साथ ही अभी आया था, उन्होंने मुझे कहा कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो अंदर जाके अभी तो धमाल होगा, पार्टी होगी। थैंक यू सो मच। Right. Yeah.
थैंक यू।